लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है सालू नेगी और आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ मैं अपनी एक और नई वीडियो में। अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और आज का मौसम मैं आप लोगों को दिखाऊं तो आज का मौसम भी ना काफ़ी अच्छा हो रखा है। अच्छी सी धूप लगी हुई है, अच्छा सा मौसम हो रखा है। तो अभी घर के सभी काम काज निपटा दिए हैं और मैंने माँ के बालों में ना मेहंदी लगाई तो मेरे हाथ कुछ ऐसे हो रखे हैं। बाकी अब खाना बनाने की तैयारी करते हैं और आप लोग वीडियो में बने रहिए। आज की सुबह का मौसम कुछ ऐसा हो रखा है दोस्तों। इस शरीफ चेहरे के पीछे ना एक शैतान छिपा रहता है, पर ये ना वीडियो के सामने वो शैतान ना बाहर नहीं आता है। जब भी मैं ना वीडियो बनाना शुरू करती हूँ ना तो वो शैतान बाहर नहीं आता है, तब ये बिल्कुल शरीफ हो जाती है। काना छुल्लू फाड़ रही है आग जलाने के लिए। अगीठी में मैंने आग भी जला दी है और ये मोटी लकड़ियाँ ना थोड़ी देर में जल रही हैं। इनको ना आग पकड़ने में ना थोड़ा टाइम लग रहा है। बाकी अब जल्दी से चावल साफ कर लेती हूँ और खाना चूल्हे में रखती हूँ, चावल चूल्हे में रखती हूँ। चावल बन चुके हैं और अब मैं जल्दी से साग बना लेती हूँ और धूप ना बहुत ही तेज़ हो रही है। खाना बन चुका है तो अब खाना खाते हैं। शाम के लगभग 4:22 हो रहे हैं और अभी माँ ने ना मटर की बेलें निकाल दी हैं और उनसे ना हरी मटर सब्जी के लिए निकाल रही है और पीली मटर दाल के लिए। हम लोगों ने ना मटर की बेलों से मटर निकाल दिए हैं और माँ आई आई कर रही है। हम लोग ना धारे पर आ गए हैं कपड़े धोने और हमारा जो धारे का नल है ना वो टूट गया है और यहाँ पर लकड़ी लगा रखी है और पता नहीं कब तक यहाँ पर नल लगाएंगे। और ऐसे में ना बहुत सारा पानी वेस्ट हो रहा है, पानी भरने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है क्योंकि भीग भी रहे हैं और पानी ज़्यादा वेस्ट भी हो रहा है। धारा से कपड़े धो के मैं घर आ गई हूँ और कपड़े मैंने सुखाने के लिए डाल दिए हैं और हमने छत पर ना गेहूं के पुए खड़े करके रखे हुए हैं और कोई कोई ना गिर भी गए हैं। बाकी यहाँ पर मटर सुखाने के लिए रखे हुए हैं इन बर्तनों में और दादी ना वहाँ पर मसूर साफ़ कर रही है, मसूर की दाल। मैं तो क्या यू क्या आके दिखो है, आके नहीं दिखो है, आके भी पूछे ना हो, हाँ आके भी पूछे ना, आके पूछे ना, आके पूछे ना। तो दोस्तों यहाँ पर दादी ना मसूर की दाल छान रही है और यहाँ पर भी मसूर रखी हुई है, कच्ची फलियाँ। ना अब मुझे कूटना है ओखली में ये लहसुन जो कि अच्छे से सूख चुकी है और मैंने ओखली भी साफ कर दी है, तो बाकी अब लहसुन कूटती हूँ ओखली में। और ना अब इसको काना कूटेगी, कूट कूट कूट